हेलो स्टूडेंट, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 प्रकाश रसायन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित शब्दावली। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, उसके गुण क्या होते हैं और यहाँ तक प्रकाश रसायन क्या होता है इसके बारे में आपको पहले से बता दिया है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है मैं उसको एक बार और थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने आपको ये बताया था कि इस प्रकार से मान लो तीन अक्ष मेरे पास, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ठीक है, अगर मैं वाई अक्ष में विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से दिखाऊं, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र को मैं जेड अक्ष पे, ये विद्युत क्षेत्र है जिसको हम लोग ई संबित करते हैं ई से, और चुंबकीय क्षेत्र है जो कि मैं बी संबित करने जा रहा हूँ। इधर ई है, ये वाला ई है, ये वाला बी है। तो मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊँ, जिस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो तरंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अपना सूर्य का प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, जिसकी गति जो है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इन तरंगों से संबंधित आने वाली शब्दावली, जैसे तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग संख्या, आयाम और ऊर्जा की जानकारी हम लोग आज लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसको शॉर्ट रूप में एक तरंग आपको बना के समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं एक तरंग बनाना चाहता हूँ तो इस प्रकार से हम लोग तरंग मान सकते हैं। ये मेरे पास एक तरंग है, मान लो कि मेरे पास वही विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। ठीक है, इधर एक्स अक्ष लेता हूँ, इधर वाई अक्ष, इधर माइनस वाई अक्ष। ठीक, अब ध्यान, इधर तरंग संचरण की दिशा है। ठीक है, ये तरंग जो है वो क्या हो रही है, एक्स अक्ष में संचरित हो रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये यहाँ पे इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में। ठीक, तरंग का ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा आप लोग दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा, पूरा ये वाला हिस्सा, ऐसे और भी कई होंगे इधर आगे आगे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं गर्थ, इनको बोलते हैं गर्थ। ठीक है, और इन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन जो दिख रहे हैं उसको सिग्नल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता देता हूँ कि अप दिख रहा है, अप सिग्नल, जो ऊपर में जो सिग्नल दिखाई दे रहा है उस सिग्नल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। जितने भी ऊपर वाले हैं, अपर वाले जो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, और जो डाउन सिग्नल दिखाई दे रहे हैं हमने, डाउन सिग्नल, उसको बोलते हैं गर्त। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पर स्ट्रिंग और गर्त की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए आपको तरंग के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको इसमें आने वाली सबसे पहला शब्दावली जिसको मैं बताने वाला हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। मैं यहाँ से बताता हूँ, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक परिभाषा में आपको समझा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले परिभाषा बनाने से पहले आपको तरंग दैर्ध्य कहाँ पे होते हैं इस तरंग में मैं दबा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, किन्हीं दो स्ट्रिंगों के बीच की दूरी जो बहुत ही पास पास हो, किन्हीं दो स्ट्रिंगों के बीच की दूरी जो कि बहुत ही पास पास हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। उन दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही बोल सकते हो कि दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये हो गया तरंग दैर्ध्य, या फिर इसकी परिभाषा और कर सकते हैं किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको बता दिया हूँ, यानी इसकी जो परिभाषा बनेगी, किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को हम उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग लैम्डा से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, इसको नापने की जो इकाई होती है वो मुख्यतः एंगस्ट्रॉम होती है, या फिर कहीं पे आपको नैनोमीटर मिलता है, एनएम। ठीक है, नैनोमीटर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻¹० मीटर, और एक नैनोमीटर का जो मतलब होता है वो 10⁻¹⁹ मीटर। तो कभी कभी आपको तरंग दैर्ध्य जो है वो एंगस्ट्रॉम में दिया जाता है, तो कहीं कहीं पे आपको नैनोमीटर में दिया जाता है, ये बात आपको नॉलेज के लिए याद रखना है। ठीक है, पहली बात मैंने आपको बता दिया है तरंग दैर्ध्य, अब दूसरा लेके चलते हैं।
दूसरा जो है वो है आवर्तकाल, आवर्तकाल इस तरंग का आवर्तकाल। ठीक है, देखिए आवर्तकाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस चित्र में। पहले देखो अब लोगों को कुछ यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक आपको स्विंग दिखाई दे रहा होगा और एक गर्द दिखाई दे रहा होगा। एक स्विंग पकड़ना है, एक गर्द पकड़ना है, जो और ऐसे मान के चलना है कि वो अर्धवृत्ताकार है, ये अर्धवृत्ताकार है, ये अर्धवृत्ताकार, तो एक पूर्ण वृत्त जो बनेगा अपने पास, इसको पूरा अगर मैं इस प्रकार से ले लेता हूँ तो एक पूर्ण वृत्ताकार बन रही है इस प्रकार की, ऐसे करके और ये पूरा ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखा ध्यान से, तरंग जो है स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एक तरंग यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो किसी तरंग द्वारा एक चक्कर लगाने में यहाँ पे आ गई, अब वापस यहीं पे चक्कर लगा करके आ गई। ठीक है, तो जितना समय लेती है उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। किसी तरंग द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लिया जाता है उसे उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, जैसे यहाँ पे मान लो कोई तरंग जो है वो क्या कर रही है, एक चक्कर लगाने में जितना समय ली, यहाँ तक आने में जितना समय उसने लिया होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तरंग, उसको आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल को हम लोग टी से निरूपित करते हैं, ये भी याद रखना, बड़ा टी से। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक नापने की जो इकाई होती है वो होती है सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आवर्तकाल का क्या हो गया, सूत्र, आवर्तकाल का मात्रक हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा। तो तीसरा जो टर्म है, तीसरा जो शब्दावली है वो है आवृत्ति। इस तरंग की आवृत्ति क्या होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी बोलती है इसी अंग्रेजी में। ठीक है, तो देखो आवृत्ति के लिए आपको, अगर आपको थोड़ा आवर्तकाल पता है तो इसका जिससे अपोजिट होता है, जिससे उल्टा होता है। इसमें आपने क्या कहा था, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, इसमें बोलना है एक सेकंड में जितना चक्कर लगाती है तरंग द्वारा, एक सेकंड में जितना चक्कर लगाती है, मान लो तरंग ने एक सेकंड में यहाँ तक उसने क्या किया है, दूरी तय की है, तो उसमें कितना चक्कर आ रहा है, एक चक्कर ये आ रहा है, एक चक्कर ये आ रहा है, यानी कि तरंग ने क्या किया, एक सेकंड में, मान लो एक सेकंड में उसने दो चक्कर क्या किया, कंप्लीट किया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उसकी आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, यानी एक सेकंड में जितना चक्कर कंप्लीट करती है, जितना कंपन कंप्लीट करती है, उसे हम लोग उस तरंग की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी डिफिनेशन हो गई। मैं फिर से बता देता हूँ, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में जितना चक्कर पूर्ण किया जाता है उसे उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं, उन चक्रों की संख्या को उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति को हम लोग न्यू से निरूपित करते हैं, न्यू कहीं पे आपको मिलेगा एफ फ्रीक्वेंसी, कहीं पे आपको मिलता है ईटा, ईटा से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कई संकेत रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर न्यू का ज़्यादा यूज करते हैं, न्यू, ठीक है, ये न्यू है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो न्यू का यूज ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, आवृत्ति के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये आवृत्ति जो है, चूँकि ये आवर्तकाल का उल्टा होता है, इसलिए मैं इसको इसके उल्टा में लिख देता हूँ, इस प्रकार से। एक बटे में लिखने का मतलब होता है उल्टा में लिख दिया। इस प्रकार से आप आवृत्ति को एक प्रकार से और परिभाषित कर सकते हो कि किसी तरंग के आवर्तकाल के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब उल्टे को, ठीक है, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब आवृत्ति का मैं आपको एक और फार्मूला बता देता हूँ। आवृत्ति का एक और फार्मूला होता है सी बटे लैम्डा। ठीक है, जहाँ पे सी क्या है, सी जो है वो प्रकाश की निर्वात में चाल है, प्रकाश की निर्वात में चाल। ठीक है, जिसका मान होता है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और लैम्डा जो है वो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है आवृत्ति का जो मात्रक होता है, मात्रक, ठीक है, वो होता है हर्ट्ज। एच जेड से हम लोग क्या करते हैं, इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक भी आप याद रखिएगा, और दो फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला आगे काम का है। ठीक है, तो आप लोग तीन शब्दावली पढ़ चुके हैं, अब चौथा शब्दावली की ओर चाहता हूँ मैं। और चौथा शब्दावली जो है वो, उसका नाम है आयाम, जिसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं, शिखर मान, जिसे हम लोग शिखर मान भी कहते हैं। ठीक है, मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि ये जो आयाम है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव आयाम होता है, धनात्मक आयाम होता है,
एक क्या होता है निगेटिव आयाम आता होता है जिसको हम ऋणात्मक आयाम भी कहते हैं। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा श्रृंगत, तो श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई, श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई यहाँ से यहाँ था एकदम टॉप पे, चूंकि यहाँ पे शिखर लिखा हुआ है तो उसकी चोटी को पकड़नी है आपको, शिखर मतलब चोटी, ठीक है। श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, और गर्द की अधिकतम गहराई यहाँ से यहाँ तक की गहराई, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयाम ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको फिर से बता दूँ, श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई और या गर्द की अधिकतम गहराई को हम क्या कहते हैं, उस तरंग का आयाम कहते हैं। श्रृंग के लिए अगर हम बात करें तो इसको हम लोग धनात्मक आयाम बोलते हैं, धनात्मक आयाम, और गर्द के लिए जो बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक आयाम, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस प्रकार से आयाम जो है दो प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसका मैं आपको इसका संकेत भी बता देता हूँ। इसका जो संकेत होता है वो होता है ए, क्योंकि इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दो आयाम है, एक धनात्मक आयाम और एक ऋणात्मक आयाम, तो मैं इस प्रकार से निरूपित कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, ये है धनात्मक आयाम और ये है ऋणात्मक आयाम, ठीक है। अब इसका मात्रक मैं बता देना चाहूँगा, क्योंकि एक ऊंचाई जैसे लग रही है, गहराई से लग रही है, इसलिए इसका मात्रक जो है मात्रक, ये भी एक प्रकार से आपको मिलेंगे एंगस्ट्रॉम में या फिर नैनोमीटर में, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको ये माइक्रोमीटर भी मिल सकता है, माइक्रोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, इसका मात्रक हम रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पांचवे शब्द की तरफ जाने वाला हूँ, तो मैं आपको इधर वाले पार्ट को मिटा देना चाहता हूँ, तुरंत दावा वाले पार्ट को, फिर मैं आपको बताते जाऊँगा ध्यान से, ठीक है। सबसे अब आगे आ गया पांचवा जो है, जिसका नाम है तरंग संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तरंग संख्या। नाम से लग रहा है कि तरंग की संख्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका मैं परिभाषा आपको सूत्र से बता देना चाहता हूँ। सूत्र ये होता है तरंग संख्या जिसका सूत्र होता है 1/ तरंग दैर्ध्य, और याद नहीं, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य जो है वो उसका मात्रक हमें लेना पड़ेगा सेंटीमीटर में, ठीक है। और इसको 1/ को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यहाँ से बनेगी, राइट से बोलना, ठीक है। सेंटीमीटर में तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को, उस तरंग की तरंग संख्या कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसका संकेत बता देता हूँ। तरंग संख्या को हम लोग न्यू बार लेंगे, यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। 1/ तरंग दैर्ध्य को मैंने बता दिया था लैम्डा सिंबित करते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक यहाँ पे सेंटीमीटर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करते हो, तरंग संख्या का फॉर्मूला बनाते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं अगर लैम्डा का मान निकाल के यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा का मान निकाल के रख दूँ, यहाँ से इस वाले फार्मूले में देख पा रहे होंगे, लैम्डा को इधर कर दो और न्यू को इधर कर दो, तो लैम्डा बराबर जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे C/ बनेगा। तो मैं यहाँ पे लैम्डा का मान रखने जा रहा हूँ ताकि एक और फार्मूला बन जाए यहाँ पे, ठीक है, वो काम कहे यहाँ, ठीक है। 1/ लैम्डा का मान है C/ न्यू को ऊपर ऐसे ले जा सकते हो, इस प्रकार से जो तरंग संख्या का जो मान आएगा वो न्यू/ क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, याद रखोगे कि तरंग संख्या का एक और फार्मूला होता है न्यू/सी, या फिर सी क्या है, प्रकाश का चाल है, न्यू क्या है, उस प्रकाश की आवृत्ति है। अर्थात इसकी परिभाषा यही बोल सकते हो कि किसी प्रकाश की आवृत्ति और उसकी चाल, किसी प्रकाश की आवृत्ति और उसकी चाल के अनुपात को उस तरंग का तरंग संख्या कहते हैं, ये भी इसकी परिभाषा बन जाएगी। अब इसका मैं मात्रक बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में नापते हैं हम लोग इसको मात्रक रूप में, तो यहाँ पे आप इसको सेंटीमीटर को ऊपर लेके जाओगे तो इसके जो मात्रक निकल के आएगा, मात्रक वो निकल के आएगा सेंटीमीटर के घात -1, इस प्रकार से इसका मात्रक निकल के आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको सबसे लास्ट टॉपिक, इसका नाम है छठवां टॉपिक है, इसका नाम है ये इस तरंग की ऊर्जा जो है उसे हम लोग फोटोन की ऊर्जा मान सकते हैं। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पे बताया गया था कि हम सूर्य के प्रकाश को छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में मान सकते हैं ऊर्जा का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटा कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ प्रकाश की ऊर्जा के लिए, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, E=Nhυ, ठीक है। ये क्या होगा,
तरंग इस तरंग की ऊर्जा या फिर प्रकाश की ऊर्जा हो जाएगी, जहाँ पे एन जो है वो फोटोन की संख्या को बता रही है, जहाँ पे एन जो है वो फोटोन की संख्या बताती है, क्योंकि प्रकाश जो है फोटोनों से मिलकर बनी है, फोटोन की संख्या। एच जो है उसको बोलते हैं प्लांक नीतांक, प्लांक ने दिया था इसके बारे में प्लांक नीतांक, ठीक है। और न्यू जो है वो क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। हर प्रकाश जो है वो क्या करती है, अपने साथ ऊर्जा को क्या करती है, ऊर्जा को उत्सर्जित करती रहती है, वही ऊर्जा का फार्मूला ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो न्यू का फार्मूला, जो कि हम लोग जानते हैं न्यू बराबर सी बटे लेमडा, उसको मैं यहाँ पे रखूँ तो ये बन जाएगा फार्मूला ई बराबर एन एच न्यू, न्यू का मान होता है सी बटे लेमडा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ई बराबर एन एच सी बटे लेमडा भी आप लिख सकते हो, एन एच सी बटे लेमडा। तो ये हो जाता है प्रकाश की ऊर्जा का सूत्र, ठीक है, तरंग की ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। तो याद रखना हर तरंग में क्या होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा संबंध रहती है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग की ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 6 शब्दावलियों को समझा। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, इस तरंग की ऊर्जा का जो मात्रक होगा, तरंग की ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो हम लोग ऐसे पद्धति में जूल लेते हैं, जूल, ठीक है, ये भी आपको याद ना है। और सीजीएस पद्धति में हम लोग इसको अर्घ से नापते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही पद्धति है, ऐसे ही पद्धति, और ये क्या है भैया, सीजीएस पद्धति, ठीक है। तो याद रखना इसको बात अभी, ठीक है, इतना बात बच गया था, अब ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, धन्यवाद।